हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लॉगरिथम फंक्शन के अपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथम के, ठीक है। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या वैल्यू निकालनी है हमें, लॉगरिथम ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब कि हमें 2 times लॉगरिथम निकालना है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार निकाल देंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उस पर फिर से हम क्या लगा देंगे, लॉगरिथम, ठीक है। तो हमें ना पहले ये अंदर वाला लॉगरिथम सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम क्या निकालते हैं, लॉगरिथम ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कैपिटल एल लिखा हुआ है। कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, हमें जनरल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और उसके अंदर 2 and π iota ऐड कर देंगे। तो मैंने पहले अंदर वाली टर्म लिख ली, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉगरिथम ऑफ कोस प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कैपिटल एल की जगह अब स्मॉल एल लिख दिया, लॉगरिथम ऑफ कोस प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2 and π iota हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास जनरल वैल्यू है और ये प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू में हम क्या करेंगे, 2 and π iota ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ e^ power iota theta, हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, e^ power iota theta का, प्लस 2 and π iota एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा थीटा प्लस 2 and π iota, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ तक, इसका मतलब जब हमने इसको प्रॉपर सोल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके आगे एक और क्या है, लॉगरिथम, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे एक और लॉगरिथम लगा देंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, लॉगरिथम ऑफ आयोटा थीटा प्लस 2 and π iota, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है तो हम कैसे लिख देंगे, थीटा प्लस 2 and π, और बाहर आ गया आयोटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एल है तो हम क्या कर देंगे, पहले स्मॉल एल लिख देंगे। स्मॉल एल लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, और प्लस में क्या कर देंगे, वैसे तो हम 2 and π iota करते हैं लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, 2 m π iota, क्योंकि n पहले हमने लिख लिया, अब हम n नहीं लिख सकते, उसकी जगह कोई और वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो हमने अपने अकॉर्डिंग m लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आयोटा को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे। आयोटा है हमारे पास, और आयोटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 plus iota into 1, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e^ power iota π/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो आयोटा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, e^ power iota π/2, तो यहाँ पर रख देते हैं हम, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉगरिथम ऑफ थीटा प्लस 2 n π, और आयोटा की जगह हम रख देंगे e^ power iota π/2, ठीक है। ये वैल्यू रख दी हमने, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, 2 m π iota, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम को एक बार इसके साथ ले लेंगे और एक बार इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो बीच में एडिशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लॉगरिथम ऑफ थीटा प्लस 2 n π, और प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल iota π/2, ठीक है, प्लस 2 m π iota। अब यहाँ पर जो लॉगरिथम और जो एक्सपोनेंशियल है कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा iota π/2, तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉगरिथम थीटा प्लस 2 n π प्लस iota π/2, और प्लस iota 2 m π, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा और क्या कर देंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो पाई बाई 2 और कॉमन ले लेना, तो हमारे पास यहाँ पर 4π हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, लॉगरिथम थीटा प्लस 2 n π, एक तो ये आ गया, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया हमने और पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4π + 1 और इंटू में π/2, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास m आएगा, सॉरी, क्योंकि पाई तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 4m प्लस 1 और इनटू में पाई बाई 2, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। इस तरह से अगर हमारे पास अगर एक और लॉगरिथम आगे दे देता तो हम इसको फिर से सोल्व करते, ठीक है, तो इसके आगे एक और लॉगरिथम लगा देते। तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन, क्योंकि इसने दो दिए थे तो हमने पहले इस अंदर वाले को सोल्व किया, फिर उसके बाद बाहर वाले को सोल्व किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए क्या है, टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा बाय 2 और टेंजेंट थीटा बाय 2 यू है यहाँ पर, ये प्रूव करना है हमने, टेंजेंट हाइपरबोलिक यू बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2। और हमारे पास गिवन क्या है, यू की वैल्यू गिवन है लॉगरिथम ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है, यू की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा और ये वैल्यू निकालनी है। पहले तो हमें देखने से ही पता चल रहा है यू इज इक्वल टू दिस दे रखा है, तो दोनों साइड हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल से लोग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर यू इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या लिया, एक्सपोनेंशियल लिया है। उसके बाद देखिए अब हमें प्रूफ में ना क्या चाहिए, यू बाय 2, और हमारे पास है ई रेस टू द पावर यू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर यू बाय 2 इंटू में ई रेस टू द पावर यू बाय 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u बाई 2 और u बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे तो u ही हो जाएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें प्रूव में u बाई 2 ही चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू में हमने ये वाला एज इट इज लिख लिया, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, टेंजेंट हाइपरबोलिक u बाई 2, अगर हमने वो हाइपरबोलिक फॉर्मूले याद हैं तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहले तो हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 और बाय 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 और टेंजेंट थीटा बाय 2, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2, ठीक है, ये वैल्यूज होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है ई रेस टू दी पावर यू बाई 2 इंटू में ई रेस टू दी पावर यू बाई 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ई रेस टू दी पावर यू बाई 2 हमने एज इट इज लिख लिया, इसको अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊँगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, तो हम कैसे लिख देंगे, ई रेस टू दी पावर माइनस यू बाई 2, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। अगर हम यहाँ पर कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड और रूल लगा दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड और रूल लगा देंगे तो हमारे पास ये टेंजेंट हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है ई रेस टू दी पावर जेड माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस जेड बाई ई रेस टू दी पावर जेड प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस जेड, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड का, ठीक है, हमें हाइपरबोलिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि हमें प्रूव में हाइपरबोलिक ही चाहिए और यू बाई 2 का चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड और रूल लगा देंगे जिससे कि दिस माइनस दिस और बाय में यही प्लस ये आते ही हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड और रूल लगाएंगे, ई रेस टू द पावर यू बाई 2 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस यू बाई 2 बाय ई रेस टू द पावर यू बाई 2 और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस यू बाई 2, और इसी तरह हम राइट हैंड साइड में कर देंगे। पहले ऊपर वाली टर्म है 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2, ठीक है, यहाँ पर माइनस किया है तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो माइनस 1, और ये माइनस का था तो ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2, और नीचे क्या किया है प्लस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे ये प्लस ये, ठीक है, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 और प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2, ठीक है, इनको सोल्व करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट, तो हमारे पास आ गया 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 बाय 2, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा बाय 2, और इस साइड ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक का, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक और यहाँ पर क्या वैल्यू है, यू बाय 2,
क्योंकि अगर z है तो z आएगा आंसर में, u by 2 है तो u by 2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, tangent hyperbolic u by 2 is equal to tangent theta by 2, और हमें यही प्रूव करना था, tangent hyperbolic u by 2 is equal to tangent theta by 2, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन उसको हम सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।